अरे उलैस, अब तुझे मैं चैलेंज देता हूँ, तू किसी गुजर गांव में आकर अपनी भाषण रख और अपना कोई फोटोग्राफ, मैं तुझे मर्द मानता हूँ। तू गुजरों को बेच के तू रोटी खाता है और उन्हीं गुजरों की तू बदनामी करता है। शर्म तेरे जैसे जैसे कहीं उलैस आए और कहीं चला गए। तुमसे बड़ा कौन ठेकेदार है जिसने 9 पार्टियां चेंज की? अब तो अपने आप को ठेकेदार नहीं मानता है। तेरे से बड़ा कोई ठेकेदार नहीं है इस कौम का, चाहे वो मेरा कश्मीरी भाई है, चाहे वो मेरा गुजर भाई है, चाहे मेरा वो कोई खा भाई है, चाहे वो कोई और किसी हिंदू है, मुसलमान है, इन सब का ठेका क्या इस उलैस ने लिया? एक ही गुजारिश है कि जो उलैस ने ये लैंग्वेज इस्तेमाल की है और जो एक बड़ी भरी स्टेज पे उसने डांस की है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसी के लिए हमने प्रोटेस्ट किया था और तहसीलदार साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर दोबारा से रोडों पे आएंगे। बाकी रहा सवाल ये कि ठेकेदार तो जे हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं। उसने एक मैसेज रात ग्रुप में की थी कि मुझे माफ़ी नामा, मुझे माफ़ी दो, तो एक मैसेज भी की थी कि हाँ जी ये मैंने कुछ चंद ठेकेदारों के लिए की। अरे तुमसे बड़ा कौन ठेकेदार है जिसने 9 पार्टियां चेंज की? अब तो अपने आप को ठेकेदार नहीं मानता है। तेरे से बड़ा कोई ठेकेदार नहीं है इस कौम का, चाहे वो मेरा कश्मीरी भाई है, चाहे वो मेरा गुजर भाई है, चाहे मेरा वो कोई खा भाई है, चाहे वो कोई और किसी हिंदू है, मुसलमान है, इन सब का ठेका क्या इस उलैस ने लिया? अरे तेरे जैसे जैसे कहीं उलैस आए और कहीं चला गए। हम एक चीज की पूरी तरह से हाजी सज्जाद शाहीन से भी ये बात कहना चाहते हैं कि आप भी एक मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दें कि आप इसको अपनी पार्टी में रख रहे हो कि इसको पार्टी से बर्खास्त कर रहे हो। अगर आप इसको पार्टी में रख रहे हो तो किस बात पे रख रहे हो? बाकी सबसे बड़ा ठेकेदार बनिहाल का यही उलैस है और बाकी कोई नहीं। जब यह कांग्रेस में था हम कांग्रेस के साथ तब थे, तब भी इसने लोगों की ये सीडी फाइलों की चिट्ठियां निकाल निकाल के उधर से साइन करवा के खुद घर और अपनी बिल्डिंग बनाई और अपनी सियासत चमकाई, फिर उधर से निकला दूसरी पार्टी में, उधर से निकला तीसरी पार्टी में। हम तो तेरी तरह भिखारी नहीं है कि हम रात एक जगह पे हार डालेंगे और सुबह जाकर दूसरी जगह पे हार डालेंगे। अरे उलैस, अब तुझे मैं चैलेंज देता हूँ, तू किसी गुजर गाँव में आकर अपनी भाषण रख और अपना कोई फोटोग्राफ, मैं तुझे मर्द मानता हूँ। तो गुजरों को बेच के तू रोटी खाता है और उन्हीं गुजरों की तू बदनामी करता है। शर्म है तुझ पे और लानत है तुझ पे। और इसी के साथ शुक्रिया, खुदा हाफिज। इतना ही मेरा कहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो पिछले दिनों उलैस नामी शख्स का वीडियो वायरल हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं और अपील करता हूं कि वो इसके खिलाफ संगीन कार्रवाई करें और इसको जो इसकी सज़ा है उसके कैफर किरदार तक पहुंचाएं। और मैं चाहता हूं कि ये ऐसे लोग जो सियासी मंच पे दूसरी कम्युनिटियों को जाके दूसरी जात पात में यकीन रखते हैं, एक दूसरे को लड़ा के और एक दूसरे को
एक दूसरे में फूट डाल के अपने साथ लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी सियासत को हम नकारते हैं और ऐसी सियासत को हम थूकते हैं, क्योंकि जो किसी कम्युनिटी को, जो किसी जात पात में यकीन रखता है, हम ऐसे शख्स पर थूकते हैं और ऐसे शख्स के साथ कोई हम ऐसे शख्स को हम नापसंद करते हैं और उनके अल्फाज जो है उनकी मजम्मत करते हैं और उनकी सियासत को हम मजम्मत करते हैं, ऐसी सियासत को जो कि लोगों में फूट डाले। हम बहसीती मुसलमान हैं, हम यकजहती में रहना चाहते हैं और हर मुसलमान का भाई है। हम जात पात में कोई यकीन नहीं रखते हैं। हम तो हर गैर मुस्लिम को भी अपना भाई समझते हैं, बहैसियत इंसान उसको अपने साथ मिला के चलना चाहते हैं। और हमारा जो मुल्क है ये सेकुलरिज्म में यकीन रखता है और सेकुलरिज्म के तहत हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। और मैं अलियास बानिहाली को एक नाम देना चाहता हूँ, उसका बानिहाली नाम पता नहीं किसने निकाल दिया। बानिहाल वाले तो हम सभी लोग हैं, बानिहाल ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, हमारी खड़ी तहसील पड़ती है। लेकिन अब इस तहसील और इस डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में आने की उसको हमारी कम्युनिटी और दूसरी हमारे पास वाली खासा कम्युनिटी के लोगों को भी जो उसके अल्फाजों से वो मजरू हुए हैं, उनको मजरू किया है अपने अल्फाज से, तो हम कहते हैं कि उसको एक नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं दल बदलू। एक दल बदलू हुआ करता था, उसको चाचा कहते थे लोग, दल बदलू चाचा। लेकिन हम इसको कहते हैं दल बदलू भतीजा, अब नया दल बदलू भतीजा निकला। लेकिन ये तो 100 पार करने वाला है, तो हम कहते हैं ये एक ठेकेदार है, ये एक इनकी तिजारत है। ये हम जो सियासत में कम यकीन रखते हैं लोग, जो सियासत में नहीं जाते हैं, इनको विचारों को अपने साथ ले जाते हैं, कभी इनको ले जाते हैं अपने जलसे में, कभी अपनी मीटिंग में ले जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों के पास मत जाएं और ऐसे लोगों की बातों पर यकीन मत करें और ऐसे लोगों को अपने मोहल्ले और अपने इलाके में ना आने दें कि जो फूट डालें। तो बाकी वस्सलाम। देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बनिहाल से चल के यहाँ पे आए, इन खाशा और गुज्जर कम्युनिटी मजलूम लोगों की आवाज़ सुनने के लिए। तो आज सुबह जो प्रोटेस्ट हुआ है वो खाशा कम्युनिटी और गुज्जर कम्युनिटी ने मिलकर किया, क्योंकि इनके खिलाफ अलियास जो बनिहाल का रहने वाला है, नामी शख्स अलियास, उसने गुज्जर कम्युनिटी और खाशा कम्युनिटी को टारगेट किया है। उसने ये तक बताया है कि इलेक्शन कैंपेन में मैं गया या कौन गया ये तो मुझे नहीं पता है, वो सुनने में आया, मैंने वीडियो देखा, लेकिन बोल रहा था कि मैं गया कि कोई मेरे साथ था वहाँ पे, मुझे गुज्जर की कोई माँ, हमारी माँ है या बहन है, उसने मुझे बोला मेरे कर्म है जी 5 वोट के 7 वोट, तो 1100 रुपया देगो या 11000 देगो। तो उस अलियास ना हो को भैया तू काना के गुजरी करूँ हूँ, आज सारी दुनिया गुजरी करे, हूँ भी गुजरी करूँ, मगर इसको मतलब ये नहीं है कि गुजरा की माँ बहन को कहूँ कि पर्दे चकूंगो। अगर उसने किसी को पैसा मदद की भी होगी, मैं नहीं बोलूंगा की होगी, तो मीडिया में आके क्यों बोलना था। अगर मैं किसी को मदद करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया में आके लोगों को बताऊंगा कि मैंने फलाने आदमी को मदद किया। उसके साथ साथ उसने खासा कम्युनिटी को टारगेट किया है कि भाई आप ये जो मैं कहीं गया तो उधर मुझे किसी ने बोला मेरे पास 250 वोट है, तो आप एक काम करो आप मुझे 5 लाख रुपया दो। तो मैं समझता हूँ कि इलियास को चाहिए वो बंदा भी बाहर निकालना 5 लाख रुपया ले जाने वाला, और खुद भी सामने आए कि किस बंदे को उसने दिया, खड़ी में है कोई या और कहीं है। उसको ये शर्म नहीं आती है, उसने आज तक 9 पार्टियां चेंज की, यहाँ से दिल्ली हम तो नहीं गए, हमारा यहाँ गुज्जर कम्युनिटी का कोई आदमी तो नहीं गया, खासा कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं गया, जो गया गया, हम तो नहीं गए। वही अलियास यहाँ से दिल्ली पहुंचा केजरीवाल को सलाम करने के लिए, केजरीवाल ने भी रिजेक्ट कर दिया उसको। वहां से आया तो DPAP मोगी दो, एक आजाद इतिहाद बनाया था इन्होंने बशीर उनियाल साहब के साथ, उसको भी धोखा इसी अलियास ने दिया, वहां से भी इसने अपना जो है रुख चेंज कर दिया। उसके बाद ये NC में गया, फिर वहां से निकला DPAP, आज फिर NC में गया है, क्योंकि इसको सिर्फ वो क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, एक थोड़ी हमारी लैंग्वेज इसमें मैं इस्तेमाल करूंगा, हमारी भाषा में बोलते हैं सूर से बुक्स व खास काल, तो अलियास को भी बुक्से की तरफ ही नजर होती है, क्योंकि वो जहां भी जिस किसी को देखता है बोलता है शायद मैं जैसा हूं ऐसा ही एक गामी भाई भी होगा, ऐसा ही एक दूसरा भी होगा, ऐसा खासा कम्युनिटी का आदमी भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है
यहाँ इलेक्शन चाहते हैं साफ और शफाफ होना चाहिए। ये जो सरपरस्त अनासिर है जो लोगों के बीच में फूट डालना चाहते हैं, गुज्जर कम्युनिटी, खासा कम्युनिटी, कश्मीरी कम्युनिटी, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया है, नायब तहसीलदार साहब ने, तहसीलदार साहब ने, हमने एक रिटर्न कंप्लेंट भी दी है, तो उन्होंने बोला है कि एसडीएम साहब ने और इन्होंने हमारे साथ बात की है कि हम इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर इसके इसमें कहीं फंसता है ये। वैसे तो फंसने का तो नाम ही नहीं है, उसने तो ये चीज़ें कही है। इसके साथ साथ में अपनी खासा कम्युनिटी जो है उनको भी बताना चाहता हूँ, और गुजर कम्युनिटी के भाई जो है हमारे उनको भी बताना चाहता हूँ, भाई अपना वोट आपके पास है, आप अपने हिसाब से दो, लेकिन ये चीजें जो लोग हमें बदनाम करते हैं इनसे बाज रहो और इनको अच्छे तरीके से देखो। जब ये यहाँ आएंगे तो इनको अच्छी मालिश करना, यहाँ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी खासा वालों से भी और गुजर कम्युनिटी से भी। बाकी शुक्रिया।